दोस्तों अगर आपने नाम संशोधन की रिक्वेस्ट भेजी हुई है और आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई है तो आप जो ना केवाईसी किस तरीके से कर सकते हैं लाइव में आपको मैं दिखाने वाला हूं और रिक्वेस्ट कितने दिन में एक्सेप्ट हो जाती है आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिन आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है ssby-up.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंसिल, दिव्यांग पेंसिल, आपकी जो भी पेंसिल है उस पर जो आप क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर मेरी वृद्धावस्था पेंसिल है तो इस पर जो ना क्लिक कर देते हैं, वृद्धावस्था पहला पेंसिल वाला पेज जो ना ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ आवेदक लॉगिन, इस पर जो आपको क्लिक करना है। आवेदक लॉगिन, लॉगिन पेज जो ना आपके सामने ओपन हो जाएगा। चलिए इस पर उन्हें क्लिक कर देते हैं आवेदक लॉगिन पर। आवेदक लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनवैलिड पेज एक्सेस टाइप, चलिए दोबारा से उन्हें ट्राई कर लेते हैं। आवेदक लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज जो ना ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अपनी पेंसिल का सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी पेंसिल है उसको जो आपको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि ओल्ड एज पेंसिल, विडो पेंसिल, दिव्यांग पेंसिल, जो भी पेंसिल है अपना जो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं ओल्ड एज पेंसिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, इसके बाद सेंड ओटीपी करना है, यहाँ पर जो आपको एंटर ओटीपी फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड जो आपके सामने इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आवेदनकर्ता का डैशबोर्ड जो ना ओपन हो चुका है, आवेदक की सूचना और आवेदन की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपने नाम संशोधन की रिक्वेस्ट भेजी होगी तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है, यदि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नाम या जेंडर में संशोधन करना चाहते हो तो जनपदीय अधिकारी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजें। अगर आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी होगी तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेड जो ना लिख कर आ रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जो ना पास हो चुकी है। यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेड जो ना लिखा हुआ है, तो यानी कि ये रिक्वेस्ट आपकी जो ना पास कर दी गई है समाज कल्याण अधिकारी द्वारा, यहाँ पर पास कर दी गई। अब आप अपनी पेंसिल की केवाईसी जो ना कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट ना लगभग ऑटोमेटिकली जो ना पास होती है, लगभग एक महीने जो समय लग जाता है, किसी किसी में 10 दिन में ही हो जाती है, 5 दिन में भी हो जाती है। तो ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक ही अप्रूव जो ना हो जाती है, आपको वेट करना है जब तक आपकी रिक्वेस्ट जो ना अप्रूव नहीं हो जाती। तो चलिए यहाँ पर जो ना केवाईसी इस पेंसिल की कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर जो ना आपको क्लिक करना है आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ आधार सत्यापन, यहाँ पर देखिए नाम जो ना सही होकर आ गया है सरोजनी, इनकी पेंशन फॉर्म में यहाँ पर देखिए नाम जो ना गलत था, जे के बाद ए नहीं बना हुआ था, तो यहाँ पर देखिए नाम करेक्शन भी हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड सत्यापन की प्रयास, यहाँ पर 3 बार आपको यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं आधार सत्यापन के लिए। अगर आप 3 बार कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाता है, इस 3 बार करने के बाद भी नहीं होता। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन आधार सत्यापन नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो ना आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को चेक करना है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ओके करना है, फिर से जो ना ओके करना है, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर साइट का कुछ इशू है, चलिए दोबारा से उन ट्राई कर लेते हैं, दोबारा से उन्हें लॉगिन कर लेते हैं, फिर से आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सारी डिटेल्स को जो ना फिल कर लेते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर सारी डिटेल्स को जो ना फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद सिंपली आपको क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड जो ना सक्सेसफुली यहाँ पर लिंक हो चुका है। यहाँ पर देखिए आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली जो ना यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली जो ना हो चुका है। आपको यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली जो ना हो चुका है। यहाँ पर देखिए 3 स्टेप जो ना कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ना आप खुद से ही अपनी पेंसिल से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको जो ना पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।